नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुबारक है। मैं दिल्ली से आया हूँ। lallantop.com नाम से हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है। तेज़ टीवी पे मंडे टू फ्राइडे 9 बजे रात को हमारा एक शो भी आता है, दी लल्लन टॉप। हम महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स इलेक्शन कवरेज के लिए निकले हैं। बहुत सारे ज़िलों में घूमते हुए हम पुणे आए हैं। हमारा फेसबुक के साथ टाई अप है, तो फेसबुक ने हमसे कहा है कि आप जहाँ जहाँ इलेक्शन कवर करने जाइए, वहीं थोड़ा सा लोगों को फेक न्यूज़ के बारे में भी अलर्ट करते चलिए, थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाते चलिए। तो एक बात बताइए, कौन कौन फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करता है यहाँ पर? लगभग सभी ही करते हैं। आप नहीं करते हैं? गुड बॉय यार, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो। ऐसे लोग हमें चाहिए, बट स्टिल हमारी मजबूरी है, अलर्ट रहना है, अपडेट रहना है, तो हमें फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करना ही पड़ता है। कई बार आप तंग आते हैं, पर वो होता है कि आप उससे नहीं बच सकते। बहरहाल तो हम उस पर बात करेंगे, फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ से आप क्या समझते हैं, क्या होती है फेक न्यूज़, आप बता पाएंगे? कोई गलत बात होती है, मतलब कोई इमेज बिल्डिंग के बारे में कोई अपना झूठी बात फैलाता रहता है, वो होती है फेक न्यूज़। गुड, आप बताइए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ के जो भी लोगों तक पहुंचाया जाए न्यूज़ के बारे में। तथ्यों को जहां भी तोड़ा मरोड़ा जाता है वो फेक हो जाता है। आपको क्या लगता है फेक न्यूज़ किस तरह की होती है? जो सच नहीं होती, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे, या फिर आधी इन्फॉर्मेशन दे। सिंपल, जो सच नहीं होता वो फेक है। गुड, आपको क्या लगता है? किसी बात को तोड़ मरोड़ के वो सामने पेश किया जाए और तथ्यों का कुछ आधार नहीं हो जिस बात को, वो फेक न्यूज़ है मेरे। बिल्कुल ठीक, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। जो बात सच नहीं होती, या कई बार सच भी हो तो संदर्भ से हटकर उसे पेश किया जाता है, ये सब चीज़ें फेक न्यूज़ के दायरे में आती हैं। हम आज इसी पर बात करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरू करेंगे, हम समझेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, और उसके बीच का अंतर कैसे पहचाने। फैक्ट जो है, अगर आप उसमें थोड़ी बहुत, ये तस्वीर से आप समझ जाएंगे कि आप अगर उसमें थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन करें तो फैक्ट भी फेक बन सकता है। दो शब्दों का खेल है, आपका तथ्य जो है वो झूठ बन गया है। चीज़ें होती है, फैक्ट्स होता है, ओपिनियन होता है, और रूमर्स होते हैं, और एक होता है झूठ। सच, राय, अफवाह और झूठ। एक बात बताइए, दिल्ली उत्तर भारत में ये क्या है? सच है। आप नक्शा देखते हो, उत्तर की तरफ दिल्ली है। अब अगर हम अगले स्टेटमेंट पर जाते हैं, दिल्ली और मुंबई भारत में दो शहर हैं, ये क्या है? ये सच है। वी आर मूविंग ऑन। दिल्ली में बहुत शोर है, ये बताइए ये क्या है? क्या लगता है आपको, दिल्ली में बहुत शोर है? हाँ, सच। सच है। आपको क्या लगता है? हाँ, सच। सच है। आपको क्या लगता है? सही है। सही है। आपको भी लगता है दिल्ली में शोर है? सबको लगता है दिल्ली में शोर है। किसको किसको लगता है ओपिनियन है? आपको लगता है, आपको लगता है ओपिनियन है। तो यहाँ पे हमारी दो तरह की प्रतिक्रिया है। दिल्ली में शोर है, कुछ लोगों को लगता है सच है, क्योंकि मेट्रो सिटी है, फुल ट्रैफिक का पंगा है, तो शोर तो होना ही है। कुछ शहर ऐसे भी होंगे जहाँ दिल्ली से ज़्यादा शोर होगा। दिल्ली से बड़े शहरों में, दुनिया में बहुत शहर हैं दिल्ली से बड़े हैं, तो ये ओपिनियन है। मुंबई एक छोटा शहर है, ये क्या है? बड़ा शहर है। पर कोई शहर मुंबई से बड़ा होगा वो क्या बोलेंगे? हमारे मुकाबले मुंबई छोटा शहर है। सो इसको भी आप झूठ में भी डाल सकते हो और ओपिनियन में भी डाल सकते हो। ये डाइसी है, तो ये कहीं भी रह सकता है। एक है कि सरकार मुंबई का नाम बदलने वाली है। क्या लगता है आपको, सच है, झूठ है, क्या है? झूठ है। आप कैसे सर्टन है? पहले ही नाम बदला है, पहले ही बॉम्बे का मुंबई किया है, बॉम्बे का मुंबई किया है, तो आप सर्टन है कि अभी और दूसरी बार तीसरी बार उसका नाम नहीं बदला जाएगा? आदित्यनाथ होंगे तो बदलेंगे हम। कौन होंगे? तो आदित्यनाथ होंगे तो बदलेंगे। अच्छा, वो क्या रखना चाहते हैं? मुंबापुरी। मुंबापुरी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास थोड़ा सा बेस है कि आप इसको सच मान सकें। मुझे तो लग रहा है ये अफवाह है, एक बार चेंज हो गया आप क्यों ही बदलेंगे मुंबई का नाम, इतना एस्टेब्लिश हो चुका है। पर यहाँ दो वर्जन आ गए, मुझे लग रहा है अफवाह है, आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत सत्यता हो सकती है। तो कुल मिलाकर यही है। ये तस्वीर अगर आप गौर से देखें, गिर ना जाना भाई, हाँ, ये तस्वीर अगर आप गौर से देखें, अगर हो सकता है आप में से किसी ने इसको पहचान लियो, ये एक बार 1.5-2 साल पहले फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे बहुत सर्कुलेट हुई। इसमें किसी ने क्लेम किया है कि ये जो है हिंदुस्तान के राजकोट शहर का बस स्टैंड है, साफ सुथरा, चिकना, एकदम मस्त, सारी फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास हैं यहाँ पे, जबकि ये है नहीं।
ये किसी विदेशी धरती का कुछ है बस स्टैंड है, भारत का कह के चलाया गया। क्यों चलाया गया इसकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, ये तो सब जानते होंगे। बस क्या ये कितने लोगों ने हैंडल किया है और चिप कितने लोगों ने देखी देखी किसी ने, पर थी चिप तो थी। इतना शोर शराबा हुआ था, 120 मीटर नीचे ज़मीन में हो तो भी मिलेगी, आपके सेफ में भी रखा हो, दीवार में रखा हो, आईटी वाले आएंगे मशीन से फिराएंगे, खोद के ले जाएंगे, चला था ना, बट फेक था। तो इस तरह की खबरें, ये भी बस स्टैंड वाली भी झूठी थी, ये खबर भी झूठी थी, पर कुछ अरसा इनको सच माना गया और एक बड़े तबके ने इसको सच माना। नोट वाले मामले में तो बहुत बड़ा तबका था, क्योंकि तब सब लोग परेशान हो गए थे, ओवरनाइट आ गया था मित्रों, और फिर यू नो आगे क्या हुआ था, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो सच, झूठ, राय, अफवाह जैसी चार चीज़ें हैं, हमें इन्हीं को डिफ्रेंशिएट करना सीखना है। इसके साथ साथ कुछ हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कंडक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। जब हम ऑनलाइन होते हैं हमारा कंडक्ट कुछ अलग होता है, ऑफलाइन हम जब किसी से बात करते हैं तो वो थोड़ा अलग सिस्टम होता है। जैसे हम आपस में दोस्तों में कुछ भी बात कर सकते हैं, गाली भी दे देते हैं तो वो चल जाता है, पर वही कोई अजनबी, वही एग्जैक्ट वर्ड, वही एग्जैक्ट फ्रेम फ्रेज अगर हमें कहीं कमेंट में लिख दे तो हम ऑफेंड हो जाते हैं, हमको लगता है इसने ये कैसे बोल दिया। वो भी उस माइंडसेट में हो सकता है कि अगला तो मुझे जानता है, मेरा फेसबुक फ्रेंड है और मैं अथॉरिटी से बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, उसके माइंड में वो है, पर आपने उसको पढ़ा गलत, रीड गलत किया, क्योंकि आप वर्ड्स देख रहे हैं, इमोशंस नहीं देख रहे हैं। ऐसे वक्त हमें थोड़ा शांत रहना है, हर मैसेज पढ़ने वाले की हम प्रतिक्रिया नहीं समझ पाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बेसिक चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, थोड़ी सी सहानुभूति रखनी चाहिए, थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी इंटरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में या ऑडियो या वीडियो फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। हमें उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है हम उसको रीड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उसको फेस नहीं कर रहे उस वक्त। तो कई बार चीज़ें उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी हम अज्यूम कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये एक चीज़ बीच में पड़ी है, इस लड़की को लग रहा है ये 6 है, इसको लग रहा है 9 है। मैं समझता हूँ कि सबने बदला देखी होगी तो अब इसको रिपीट करने का, या कम से कम ट्रेलर तो देखा ही होगा, तो उसके बाद तो इसका इतना रिलेवेंस रह नहीं गया है, ये नज़रिया ही है। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, किसको खरगोश दिख रहा है ये? आपको, और आपको भी, आपको भी, किसी और को कुछ दिख रहा है? चोंच दिख रही है किसी को? आपको चोंच दिख रही है? हाँ। और किसको दिख रही है? आपको पक्का चोंच दिख रही है ना? खरगोश नहीं दिख रहा? खरगोश बोलने के बाद दिखा, लेकिन बोलने के बाद आपको खरगोश दिखा, चोंच की तरफ ध्यान दे रहा है। एक्चुअली दोनों है, ये खरगोश भी है, ये चोंच भी है, जो आपको पहले दिख जाए वो ये, बाद में कोई कुछ भी कहते रहे। इस बारे में इसमें बताइए आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि ये तो मैं भी धोखा खा गया था। आप बताइए क्या है ये? दो चेहरे हैं, दो चेहरे हैं। कितने लोगों को इसमें फूलदान दिख रहा है? दिख गया? सही बताऊँ मुझे अब तक नहीं दिखा है, पर कहते हैं कि इसमें फूलदान है। हाँ हाँ, बट हाँ मैं बहुत कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये वाइट वाला पोर्शन जो है ये फूलदान जैसा है। तो ये हमारी उसी बात को एस्टेब्लिश करता है कि हर चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। मैं एक उदाहरण पहले भी कई जगह दे चुका हूँ कि सिर्फ शोले को छोड़ दिया जाए तो हर जगह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें एक ही था, ठीक है ना? हाँ, तो कहने की बात ये कि ये एक चार्टनुमा चीज़ है, आप लोग तो ऐसी चीज़ों से रोज़ ही जूझते होंगे या जूझते आए होंगे अपने एग्ज़ाम्स में और पढ़ाई के दौरान। बात अगर सही है और संदर्भ गलत है तो गलत है, ये कॉम्बिनेशन गलत है। संदर्भ गलत है, बात गलत है, तो फिर उसमें तो कहना ही क्या हो, तो गलत ही गलत। संदर्भ ठीक बता रहे हो आप और आपकी बात गलत है तो भी गलत है। सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ठीक हो सकता है, जब आपकी बात भी सही हो और आपका कॉन्टेक्स्ट भी सही हो। ये एक ही कॉम्बिनेशन है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन लीथल है। आप विचारशील बने, सुने, आदर करें, केजी के बच्चों जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप सब समझदार हैं। ये तस्वीर क्या बयान करती है बताइए, आप अपनी अपनी व्याख्या कीजिए इस फोटो में। मैं ठीक से दिखा देता हूँ सबको, देखिए क्या लग रहा है आपको इस फोटो में।
आप बताइए कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं? पूछ लेते हैं अपन, आपको क्या लग रहा है ये लड़की क्या कर रही है? कुछ असाइनमेंट वगैरह कुछ काम कर रही होगी लैपटॉप पे। कुछ असाइनमेंट लैपटॉप पे काम कर रही होंगी, आपको क्या लग रहा है? मूवी देख रही है शायद, बिकॉज हंस रही है वो है। वो हंस रही है इसलिए आपको लग रहा है कि वो मूवी देख रही है, और मैं देख रहा हूँ कि वो हट गया है, मैं उसे फिर से लगा रहा हूँ। हाँ आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है? कुछ तो लड़की एक दूसरी लड़की को दिखा रही है। हाँ, कुछ तो दिखा रही है, क्या दिखा रही होगी वो तो नहीं पता चल रहा। वो नहीं, आप मतलब इसको आप व्याख्या ही नहीं करना चाहते, जो है सर मेरे क्या मतलब का टाइप चीज़ है। आपको क्या लग रहा है? किसी को स्टॉक कर रहे हैं। इनका इंटरेस्टिंग आया है स्टॉक करना, ये भी इंटरेस्टिंग था। क्या था? जीओटी का एपिसोड के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, दिखा रहे होंगे कि मुझे बहुत बढ़िया, बहुत ये अप टू डेट रहते हैं। देखिए भाई साहब, मैं देख नहीं पाया हूँ एक भी एपिसोड अभी तक, सीरियसली इसका मुझे दुख है बहुत। खैर हाँ, मैंने सुना है कि वो मिले भी है, बट स्पॉइलर हो जाएगा, किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ उसे नहीं। तो 5-6 लोगों से हमने बात की, जिनसे नहीं भी की, उनका भी अपना अपना वर्जन होगा। मुझे भी इसकी कुछ अलग ही तर्जुमानी लगती है। हो सकता है कि इसको किसी लड़के की फ़ोटो मम्मी ने भेजी हो, तो ये तो खुश हो रही है कि तेरा पत्ता कट रहा है, और ये दुखी है कि यार ये क्या बवाल है, मम्मी नहीं मान रही, मुझे तो और पढ़ना है, कुछ करना है टाइप्स। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि हर चीज़ को आप जिस नज़रिए से देखते हो आप वैसे ही सोचोगे। एक चीज़ की कई व्याख्याएं हो सकती हैं। अब इन्होंने कहा कि वो जीओटी देख रहे हो और ये भाई साहब लड़ने लगे, नहीं नहीं वो तो स्टॉकिंग का ही मसला है, तो ये ठीक नहीं है ना। उनकी ओपिनियन अपनी जगह, आपकी ओपिनियन अपनी जगह। ऐसी एक तस्वीर ये भी है, इसमें भी आप 10 तरह की व्याख्याएं कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि पेटीएम से पेमेंट हो रहा है, कोई कह सकता है कि नंबर लिखवा रहा है कि रिचार्ज कर दे, कोई कह सकता है कि सामान की लिस्ट पकड़ रहा है, एनीथिंग। हमने बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें यही सीखी कि सच झूठ राय और अफवाह में अंतर पहचाने, दूसरों का नज़रिया समझे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबका अपना अनुवाद हो सकता है, सब अपनी अपनी व्याख्या करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, हम उसका सम्मान करें। सोचो कि आपके मैसेज से दूसरा कैसा महसूस करेगा। हम कई बार नस्लीय टिप्पणियां कर देते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, हमें लगता है कि हम कैजुअल है अगले के साथ, अगला कंफर्टेबल नहीं होता। हम सोचे कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो उसे कैसा फील होगा। अपने को दूसरों की जगह रख कर देखें, भेजने से पहले कुछ भी ज़रूर सोचें, कुछ भी भेजने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि खेल ही सब फॉरवर्ड से है। झूठी खबर को कैसे पहचाने? कई बार क्या होता है, बहुत असंभव सी चीज़ें आती है आपके व्हाट्सएप पर या आपकी टाइमलाइन फीड में, ठीक है, कुछ भी। जैसे मैंने पीछे कहीं महाराष्ट्र का ही कोई एक वीडियो देखा था कि खेत में से दूध निकल रहा था, कोई एक वो बोरवेल टाइप होता है ना चीज़, पानी के लिए आता है, तो उसमें से दूध निकल रहा था, वीडियो था बाकायदा, उससे वाइट एकदम दूध 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 बहा ही जा रहा है। सब कह रहे कुदरत का चमत्कार है, कुछ है कुछ कुछ नहीं था, वो कुछ केमिकल डाला था उन्होंने क्लीनिंग के लिए कुएं में, तो उसकी वजह से वो पानी बिल्कुल ब्राइट वाइट हो गया था, तो वो आ रहा था बार बार, पर वो सर्कुलेट यूँ किया जा रहा था कि दूध निकल रहा है, महाराष्ट्र के एक जगह पर खेत में से दूध निकल रहा है। तो जब ऐसी कोई अविश्वसनीय खबर आपको दिखे, आप उसको जांचें, कई तरीके हैं उसके। पहले तो उस पर शक करें, आप तो वैसे भी जर्नलिज्म के छात्र हैं, आपका पहला मोटो ये होना चाहिए कि मुझे शक करना है इस बात पे। नेवर ट्रस्ट एनीवन एनीथिंग। आप शक करोगे, क्वेश्चन करोगे, तभी सच तक पहुंचोगे। यूआरएल आप सब लोग समझते ही हैं, यूआरएल जांचे। कई बार क्या होता है, फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत के करीब ले जाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, किसी बड़ी वेबसाइट का नाम लेंगे, उसमें से एक आध शब्द इधर उधर कर देंगे और यूआरएल वो रख लेंगे। चूंकि वो शब्द हट गया तो उनका यूआरएल यूनिक हो गया, ठीक है। अब इंडिया टुडे है, उसमें से मैं कोई टुडे में डबल वाई लगा दूं या टुडे में ओ डबल लगा दूं, तो वो दिखेगा पहली नज़र में ऐसे कि ये इंडिया टुडे है, पर वो है नहीं। तो ये बारीक चीज़ें आपको पकड़नी चाहिए, अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपने गलती पकड़ ली। दूसरी एक चीज़ होती है, जो ऐसी मास प्रोडक्शन में फैलने वाली फेक न्यूज़ होती है ना, उनमें मात्राओं की, शब्दों की बड़ी गलतियाँ होती हैं, आपको वो पकड़ना चाहिए। अब आप ये वाला पॉइंट पढ़िए और बताइए कि आपको इसमें लगता है कि कहीं कोई गलती है, बताइए क्या है। आपने पकड़ लिया सबसे पहले, पहले आओ पहले पाओ, कितना
बहुत बड़ी गलती वही है कि वो जलतिया को, गलतिया का शब्द जो गलतिया शब्द है वही जलतिया लिखा हुआ है पीछे। अगर किसी को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं बता दूं कि गलतिया को ही जलतिया लिखा हुआ है। तो हम समझाने आए हैं और हमारी तरफ से ये गलती है, जानबूझकर छोड़ी गई है ऑफकोर्स। तो ऐसी चीज़ें होती है, अगर किसी बड़े वेबसाइट को फेक करती हुई कोई चीज़ आपको दिखाई दी जाए जहाँ पे शब्दों की गलतियाँ हो, तो समझ जाइए कि क्योंकि ऐसी जगह पे बहुत स्टाफ होता है, कॉपी तीन तीन चार चार बार एडिट होती है, सब परख कर फाइनली वो आप तक पहुँचती है। अखबारों की कटिंग में भी प्रूफ रीडिंग बहुत बड़ा उनका डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे वो सब कुछ देख कर परख कर आगे जाने देते हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा दिख रहा है और ज़्यादा दिख रहा है, माइन्यूट एक दो होती है कई बार, छूट जाती है सारी सावधानियों के बावजूद, पर फिर भी दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, तो समझ लीजिए वो भरोसे के काबिल नहीं है। स्रोत की जाँच करें, कोई भी खबर है, मान लीजिए एक खबर आती है मुंबई में दंगे छिड़ गए फिर से, व्हाट्सएप पर आपकी खबर आई, किसी आपके खास दोस्त ने भेजा है, उस पर आप भरोसा करते हैं, पर जिस सोर्स से उस तक पहुंची है आपको पता नहीं कहाँ से आए। अब मुंबई में अगर दंगा हुआ है तो पहले क्या होगा बताइए, मुंबई में दंगा हुआ है तो देश दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए आप? लोग मतलब इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि ये कैसे हुई, मुंबई में जो दंगा हुआ है ये खबर आप तक कैसे पहुंचेगी बताइए, कैसे पता चलेगा आपको? ट्विटर से और टीवी न्यूज़ से, ऑनलाइन मीडिया पर से, ऑनलाइन वीडियो से। चूंकि मुंबई बड़ा शहर है, ये छोटा भी शहर हो कोई, पर दंगा एक बड़ी घटना है, ऐसा होगा तो उसे सब लोग कवर करेंगे, सब लोग, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, बड़े बड़े अखबार, वेब पोर्टल्स, ट्विटर, फेसबुक पे लोगों के टाइमलाइन पे दिखेगा, सब जगह, मतलब वो खबर हर जगह छा जाएगी क्योंकि बड़ी घटना है। तो अगर कोई एक ही बंदा भेज रहा है और अगर आप चेक करने जाओ तो ना किसी बड़ी वेबसाइट पे है, टीवी लगाया आपने, टीवी पे नहीं दिख रही है, तो जाहिर सी बात है वो झूठ है, सिंपल सा चेकिंग है, ये हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि खबर झूठी है। आप चाहो तो उस दोस्त को हड़का भी सकते हैं कि पागल हो गया क्या, झूठी खबरें क्यों फैला रहा है। ठीक, फोटो वीडियो और ऑडियो मैसेज की जाँच करें, फोटो और वीडियो पर यकीन करना आसान होता है पर इनमें बहुत ताकत होती है कि ये झूठ फैलाए। हमें लगता है, ख़ास तौर से बड़े बुजुर्गों को लगता है जिनके पास अभी अभी मोबाइल आया है, और वो नहीं समझते कि इन चीज़ों को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। फोटोशॉप नाम की भी एक चीज़ है इस दुनिया में जिसने सरकारें बनाई गिराई हैं, तो उससे वो परिचित नहीं हैं। आप लोग हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि भैया हर एक चीज़ पर भरोसा ना करो, हो सकता है कि जिस फोटो में आप मैडोना को देख रहे हो वो प्रियंका की फ़ोटो हो, फोटो शक्ल उसकी लगाई हो, कुछ भी हो सकता है। तारीख की जांच करें, कई बार क्या होता है खबर सही होती है, वही बात के संदर्भ सही होता है, कॉन्टेक्स्ट सही होता है, खबर सही होती है कॉन्टेक्स्ट गलत होता है। कि 1993 में हुए थे मुंबई में दंगे, सबको बताएं, अब वहाँ की कोई फ़ोटो आज आपको कोई भेजे और कहे कि मुंबई में दंगे हुए, फ़ोटो सही है, आपने गूगल किया तो आपको मिल जाएगी वो फ़ोटो की, वो सही फ़ोटो है, फ़ोटोशॉप नहीं है, पर कॉन्टेक्स्ट तो गलत है। तो तारीख जांचने भर से भी आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। अन्य रिपोर्ट देखें, जैसे कि हमने पहले भी बात की, कोई इसको कहानी या मजाक करके भी आगे भेज सकता है। कि व्हाट्सएप पर लौटते हैं हम, व्हाट्सएप पर कुछ एक प्रथाएँ हैं, ये तो आपको सबको पता ही होगा कि आप व्हाट्सएप ने फॉरवर्डेड का लिखना शुरू किया है तो आपको पता चल जाता है कि क्या फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ लिखा हुआ आता है, ये जूम किया गया है, तो अगर कुछ ऐसा फॉरवर्डेड है तो आपका पहला काम है कि उस पर भरोसा ना करें, बशर्ते कि वो ऐसा मासूम सा जोक ना हो, पीजे टाइप, जिस पर आपको हंसी भी नहीं आती पर लोग भेज देते हैं, तो ऐसा जोक ना हो, कोई हार्ड न्यूज़ हो तो उस पर भरोसा नहीं करें, और कर भी रहे तो आगे फॉरवर्ड करने से पहले, क्योंकि आप तक पहुँचा है और आपको लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में डालना चाहिए, तो थोड़ा उसको जांच ले, परख ले, थोड़ी विचारशीलता के साथ उसको हैंडल करें। झूठी जानकारी अक्सर आसानी से फैल जाती है, सच मुश्किल से टाइम लेके फैलता है। आप सब लोग चर्चिल को जानते ही होंगे, तो उसका मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को उसका वो जगत प्रसिद्ध कथन भी याद होगा कि उसने कहा था कि जब तक सच पतलून पहनता है झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा कर लौट आता है। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है उनका कि झूठ बहुत तेज़ी से फैलता है, सच को टाइम लगता है। मैं अगर कह दूँ ना यहाँ आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे सारे शार्प है, ब्राइट है, सब ठीक है, तो कोई नहीं भाव देगा उसको, पढ़ के कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देगा। मैं कह दूँ यार मैं वहाँ गया था और वहाँ हो गई लड़ाई, चार लड़कों ने एक दूसरे के टांगे तोड़ दी,
तो वो हो जाएगा कि भाई इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ, लड़के बदतमीज है, इसको लोग हाथों हाथ लेंगे, पहली वाली बात को नहीं। व्हाट्सएप पे कुछ है चीज़ें जो आपको पता ही होगी कि कैसे करना है, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। नंबर या ग्रुप को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको पता है अगर ग्रुप के नाम पे आप क्लिक करेंगे नीचे जाएंगे तो वहाँ एग्जिट ग्रुप भी आएगा और रिपोर्ट भी आएगा, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ग्रुप छोड़ भी सकते हैं। कई बार बहुत इरिटेटिंग चीज़ें होते हैं, अवांछित नंबर को आप ब्लॉक कर सकते हैं, कोई दोस्त है आपका अब नहीं रहा दोस्त, तंग कर रहा है कि तूने ये किया मेरे साथ, दारू पी के मैसेज कर रहा है आपको, आप परेशान हो, आपको पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है, वो मैसेज करे जा रहा है, ब्लॉक कर दीजिए, सिंपल। बाद में दोस्ती फिर बहाल हो जाएगी, खोल देना, तब कर सकते हैं आप, मतलब एक ऑप्शन है। अगर किसी ग्रुप में शोर है तो उसके नोटिफिकेशन बंद करने का ऑप्शन होता है, ये तब काम आता है जब आपका ग्रुप होता है ऐसा, या तो करीबी दोस्तों का, या मम्मियों ने बनाया हुआ, आंटियों ने बनाया हुआ ग्रुप, आपको उसमें रखा है, अब वो आप ग्रुप छोड़ोगे ना मम्मी नाराज़ हो जाएगी, कहेगी वो वाली आंटी सदाशिव पेट वाली आंटी क्या सोचेगी, मेरी बेटी तो बदतमीज़ है। अब आप छोड़ भी नहीं सकते, घर में रामायण शुरू हो जाती है, आपको रहना भी है पर आप उससे इरिटेट भी है, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, शांति आएगी दिन में। ग्रुप से निकल जाए फिर भी आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मम्मी को मैं देख लूँगी, ये नहीं देख सकती, छोड़ दीजिए ग्रुप, एग्जिट ग्रुप का ऑप्शन आता ही है। सहायता के लिए आपकी कुछ नई विशेषता आई है, सबसे ज़रूरी है उसमें ग्रुप डिस्क्रिप्शन। क्या होता है कई बार हम अनजान लोगों से मिलते हैं, अनजान इन द सेंस हम उन्हें थोड़ा थोड़ा जानते होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड का म्यूचुअल फ्रेंड का म्यूचुअल फ्रेंड होता है, शक्ल पहचानते हैं, इंटर कॉलेज जो भी इंटरेक्शन होते हैं आप लोगों के, तो वहाँ आपको मिला हुआ कोई बंदा हो सकता है, या जैसे हम आए हैं आप किसी दो चार लोगों से हमारी जान पहचान हो जाएगी, तो किसी दिन कोई ऐसा ही एक बंदा आपको एक ग्रुप में जोड़ देता है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि वो ग्रुप मेरे लिए बना है, उसमें मेरे मतलब की बातें हो रही है, जैसे आप सलमान खान के फ़ैन हैं, है या नहीं मुझे नहीं पता, मान लेता हूँ मैं हैं, बहुत से लोग हैं, मैं नहीं हूँ तो बहुत से लोग हैं, तो अगर आप सलमान के फ़ैन हैं और किसी ने आपको सलमान खान फ़ैन क्लब में जोड़ लिया, तो आपको तो लगेगा यार ठीक है ये तो, या सलमान की बातें होंगी, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे मुझे, तो मैं यहाँ रह लेता हूँ। पर अगर आपको उसी ने शाहरुख खान के इसमें जोड़ दिया, आपको शाहरुख नहीं पसंद बिल्कुल भी, जीरो तो इतनी बेकार पिक्चर थी, बताओ इतने पैसे लगाए निकली कबाड़ा, आपको नहीं देखनी शाहरुख की कोई भी न्यूज़, आप बहुत डिसअपॉइंटेड है उससे, तो आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ही पता चल जाएगी कि वो ग्रुप है किस बारे में। अगर उसमें लिखा है कि ये सलमान खान की बातें करता है और आपको सलमान पसंद है, आप रहिए, अगर आपको लगता है शाहरुख की बातें, आप पहले ही स्टेप से वहाँ से किनारा कर ले, उसको भी बुरा नहीं लगेगा, सिंपल सी चीज़ है। दूसरा होता है एडमिन कंट्रोल। अगर आप खुद व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं तो आपके हाथ में कुछ कंट्रोल्स है, क्योंकि आजकल कोशिश की जा रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन्स की कुछ जवाबदेही तय हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि बवाल कुछ और लोग करते हैं, झेलना एडमिन को पड़ता है, पुलिस केसेस के भी रेफरेंसेस आपको पता ही होंगे, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ग्रुप में कौन क्या लिखे, कौन क्या पोस्ट करें। एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि कोई ग्रुप का नाम डीपी ना बदले। आपने तो शुरू किया है कविताओं के लिए ग्रुप, किसी ने फोटो में लगा दिया किसी फिल्म स्टार का चेहरा, तो उसका उससे कोई तालमेल ही नहीं है, ग्रुप का उद्देश्य ही पिटा जा रहा है वहाँ पे, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि सिर्फ आप ही आप वो चीज़ें करें। कुछ सत्यपरीक्षक वेबसाइटें हैं जैसे जिनमें हम भी हैं, कुछ और भी हैं, जो किसी भी फेक न्यूज़ की पड़ताल करती है, वो फोकस्ड है उस बारे में, उनका काम ही ये है। हमारा भी एक पूरा पड़ताल नाम से सेक्शन है, हम इसमें जितने भी मेल्स हमारे पास आते हैं उनको चेक करवाते हैं, फ़ोटो कहाँ से आया, ओरिजिन कहाँ है उसका, वीडियो कहाँ से आया, कोई स्टेटमेंट है तो वो क्या उस फलां नेता ने दिया है नहीं दिया है, क्यों फैलाया जा रहा है, ये सब हम पूरा पैकेज बना के, टेक्स्ट स्टोरी भी होती है, वीडियो स्टोरीज भी होती है। आप ऐसे लोगों के शरण में जाएं, एक मेल डाल दें, उनके फेसबुक पेजेस पे एक मैसेज छोड़ दें, वो लोग आपको बता देंगे, जवाब भी आ जाता है। हम लोग अक्सर जो भी हमें भेजता है हम उसको वापस रिप्लाई करते हैं कि भैया ये स्थिति है, पूरा ठीक करते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आप सच झूठ राय और अफवाह में अंतर समझते हैं, दूसरों का नज़रिया ज़रूर समझें। फिर से ये तस्वीर आ गई जो आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेगी, बट ये ज़रूरी था। इसके अलावा आपके किसी के भी मोबाइल पे कोई फेक न्यूज़ आई हुई याद हो जो आपको परेशान कर गई हो, या आपने पहचान लिया हो कि यार ये तो झूठ है, किसी के पास है अभी कुछ नहीं आ रहा यार, आपकी तो ज़िंदगी सॉर्टेड है, ऐसा कुछ बवाल नहीं आ रहा है आपके पास? एक मिनट आपसे बात कर लेते हैं, बताइए कुणाल कामरा क्या है थी कल शेयर मार्केट में नहीं गा? हाँ हाँ, मोदी को वोट मत दो।
अच्छा वो शेयर मार्केट में जो एक तस्वीर आ रही है कि डोंट वोट फॉर मोदी लिखा हुआ आ रहा है, वो किसी ने शेयर की थी, आपके पास आया था? कुणाल कामरा ने कुछ तो किया था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ तो एक्शन लिया उस पर। अच्छा तो वो तो फेक न्यूज, फिर अगर एक्शन ही लिया है तो वो फेक न्यूज नहीं है, पर हाँ पर वो सर्कुलेट हो रहा था, वो फेक न्यूज है ना, इसी तरह से चल रहा था कि ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो शेयर मार्केट में जो पट्टी चलती है जहाँ नंबर पे नंबर्स आते हैं वहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा था कि डोंट वोट फॉर मोदी, तो हाँ जाहिर सी बात है वो फेक था। तो इसी तरह की और खबरें आती हैं तो आप उनको पहचान सकते हो, क्योंकि ऐसा तो ये तो लॉजिकल है ना यार, शेयर मार्केट पे कैसे लिखा हुआ आ सकता है वहाँ पे, वहाँ उनका तो कोई मतलब ही नहीं है राजनीति से, हो भी तो भी कोई पब्लिकली ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, आप पकड़ सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, आपको और कोई सवाल हो किसी के पास उससे पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल देसी विदेशी जो भी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई शंका हो इस सेशन के बारे में कुछ शंका हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों का एक बात के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, तसल्ली से सुना। कुछ है आपका? है ठीक है गुड, ये सबसे ब्राइट स्टूडेंट सेशन आपका अच्छा था, फेसबुक ने ये किया आपको स्पॉन्सर किया इस लगता है, आपका आधा जो ये था सेक्शन था उसमें आपने बताया, पूरा फोकस आपका व्हाट्सएप पे था, ठीक फेसबुक पे भी था? नहीं नहीं व्हाट्सएप पे था, व्हाट्सएप कैसे ये कह रहे ठीक है, पर फेसबुक पर जो होता है फेक न्यूज उसका कैसे कंट्रोल करें ये नहीं बताया फेसबुक ने आपने। अच्छा फेसबुक पे कैसे कंट्रोल करें, जो हमने कुछ कुछ चीज़ें बताई ना कि आप चीज़ों को पहचाने, व्हाट्सएप तो फॉरवर्ड का खेल है पर आइडेंटिफाई करने का खेल मेनली फेसबुक पे है, क्योंकि क्या होता है फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है शेयर वाला, किसी किसी फोटो की किसी किसी वीडियो की लाखों में शेयर होती है, ठीक है। तो जो आइडेंटिफाई करने का खेल है ना, जो हमने बताया कि आप उस फोटो को पहचाने, अगर आपको अविश्वसनीय लगता है तो वो व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, वही फेसबुक पे भी लागू होता है। फेसबुक पे भी तो वीडियो और फोटोज ही आती है ना, या टेक्स्ट आते हैं, ये तीन ही फॉर्म में आप तक खबर पहुँचती है ना, कोई चौथा तो आया है नहीं अभी तक, ठीक है। तो यही तीनों चीज़ें फेसबुक पर है, यही तीनों चीज़ें व्हाट्सएप पर हैं। व्हाट्सएप ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फेसबुक पे हो सकता है कम लोग हो, व्हाट्सएप पे लगभग हर बंदा है। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि घर में आंटियाँ जो है उनको नहीं पता फेसबुक कैसे काम करता है, पर उनके पास व्हाट्सएप है, क्यों? क्योंकि उनकी बेटी जो किसी और शहर में पढ़ती है वो अपनी खैर खैरियत वहाँ से दे देती है, उनको वहाँ चार अक्षर टाइप करने हैं, बेटी को चार अक्षर टाइप करने हैं, या बेटी अपनी तस्वीर भेज देती है कि मम्मा देखो स्टडी कर रही हूँ, या मम्मा देखो मैंने दूध पी लिया है, इस तरह की। तो व्हाट्सएप उन लोगों के लिए ज़रूरी है, तो व्हाट्सएप वाला सेक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए, वो ज़्यादा उससे अटैच कर पाएंगे अपने आप को। फेसबुक पे भी वही सब है, तस्वीरें उसी तरह से सर्कुलेट होती हैं, फोटोज उसी तरह से दिखते हैं, वीडियोज उसी तरह से दिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी वही बॉडी होती है उनकी, वही गलतियां होती है, वही फर्जी लिंक होते हैं जो व्हाट्सएप पे भी जाते हैं, जो फेसबुक पे भी लिखते हैं, तो दोनों जगह एक सेम ही मेथड काम करता है। और किसी को शंका नहीं, क्योंकि आप लोग इसमें से ज़्यादातर चीज़ें पहले से ही जानते समझते हैं, आई एज्यूम, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से अगर बचना आपको नहीं आता होगा तो किसको आता होगा। वेरी गुड, तो आप सब लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है, जो चुनाव के साथ साथ वायरल और फेक न्यूज़ को भी कंट्रोल करने के तरीके बता रही हैं आप सब लोगों को। थैंक यू, मेरे साथ रजत सेन है, मेरा नाम मुबारक है, थैंक यू।